नमस्ते दोस्तों, टेक एडीसी प्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, इन्होंने कुछ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज किया है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे दो बैंक के लिए रिक्रूटमेंट है। फर्स्ट है द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड जो सेकंड है डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पे जो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सीनियर मैनेजर के लिए टोटल 6 पोस्ट है, देन यहाँ पे मैनेजर के लिए है 12 पोस्ट, देन यहाँ पे बैंकिंग असिस्टेंट के लिए 29 पोस्ट दिया है। तो ये राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के टोटल 47 पोस्ट है। देन जो राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोऑपरेटिव बैंक है, तो उनके लिए मैनेजर की 102 पोस्ट है। देन कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 10 वैकेंसीज है और जो बैंकिंग असिस्टेंट है इनके लिए टोटल 553 वैकेंसीज है। तो टोटल ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बैंक है इनके 668 वैकेंसीज है और दोनों भी बैंक के मिला के टोटल 715 ये वैकेंसीज है। तो अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट भी दिया है और ये जो नोटिफिकेशन की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, जैसे कि इसका बैंक वाइज रिजर्वेशन, सिलेबस, पे स्केल, तो ये जो डिटेल्स है आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं, इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। देन हम यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे फर्स्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर एंड एमबीए डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट विद ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और एन इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कंपल्सरी। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन के साथ एक एमबीए की डिग्री भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए और इसी के साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है बिजनेस मैनेजमेंट में तो वो भी यहाँ पे आपका एजुकेशन काउंट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे जो मैनेजर पोस्ट के लिए जो एजुकेशन है वो देखेंगे, अ ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कंपलसरी। तो सिंपल यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए कोई भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है और इसी के साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। देन हम यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है इसके बारे में देखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो यहाँ पे बीटेक आपका होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी भी यहाँ पे दिया है, आप ये एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। और लिखा है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन लिखा है अ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक साइंस, मैथ, स्टैटिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड विद अ डिप्लोमा 3 ईयर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, स्टैटिक्स। इसी के साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 31 जुलाई 2019 इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस इन एडिशन टू द अबव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अलावा आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन हमारे जो नेक्स्ट पोस्ट है बैंकिंग असिस्टेंट, तो सिंपल इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। देन यहाँ पे जो लास्ट पोस्ट दिया स्टेनो, इसके लिए ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 80 वर्ड्स पर मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड्स टाइपिंग स्पीड पर मिनट इन हिंदी एंड 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड पर मिनट इन इंग्लिश। तो इसके लिए आपके पास शॉर्ट हैंड और ये जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देन हम यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट, कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम एज ऑफ 18 इयर्स बट लेस देन 40 इयर्स। तो इसके लिए जो मिनिमम एज है 18 इयर्स है और जो मैक्सिमम एज है 40 इयर्स है। देन यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखेंगे हम, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये दिया है 12 सितंबर 2019 टू 6 अक्टूबर 2019। तो ये डेट्स के बिटवीन आप जो आपकी पोस्ट है उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ये डेट दिया है नवंबर 2019। देन यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे वेबसाइट दिया है www.rajcrb.rajasthan.gov.in, तो ये वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। इसके रिलेटेड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप ऐसे बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।